जय हिंद दोस्तों और प्यारे छात्रों, मैं सुभाष शर्मा हाजिर हूं आपके सामने आज एसएससी जीडी से जुड़ी हुई एक नई हिंदी की कक्षा लेकर के। और आज की कक्षा का जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कारक के नाम से जानते हैं। आज हम कारक पर चर्चा करेंगे, कारक के विभिन्न पहलुओं पर बड़ी सूक्ष्मता से हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप पीछे व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, वहां पर कारक की डेफिनेशन लिखी हुई है और डेफिनेशन कह रही है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया की भूमिका या रोल को दर्शाता है वही कारक कहलाता है। मैं पुनः बता दूं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया की भूमिका यानी कि रोल को दर्शाता है वही कारक कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहां लिखा है कि वह शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ क्रिया की जो भूमिका होती है, जो रोल होता है उसे दर्शाता है वही क्या कहलाता है, वही कारक कहलाता है। अब देखिए, यहां पर आपको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि राम ने बाली को तीर से मारा। अब जरा आप समझिएगा कि राम ने बाली को तीर से मारा, तो कौन है जिसने तीर से मारा बाली को, तो वो है राम। तो देखिए यहां पर जब राम है तो आप इधर देख पा रहे होंगे जो क्रम संख्या है, कारक है और विभक्ति चिन्ह है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी व्याकरण होती है उसमें जो कारक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 8। ठीक है, अब जिसमें कि यहां पर आप क्रमशः देख पा रहे हैं कि हमने यहां पर 6 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? ताकि हमारा जो ज्यादा समय है वो बेकार ना जाए और हम अच्छे से आपको इस अध्याय को समझा सके। तो देखिए, यहां पहला लिखा हुआ है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है कि जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला, और इसे जो हम प्राप्त करते हैं वो कौन शब्द से प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, कौन शब्द से हम कर्ता को प्राप्त करते हैं। अब उसने कहा कि राम ने बाली को तीर से मारा, तो कौन है जिसने बाली को तीर से मारा, तो हमें जवाब मिला कि राम ने मारा। तो श्योर है कि यहां पर जो राम है और उसके आगे जो विभक्ति चिन्ह है यहां पर वो क्या है, ने। तो यहां पर ये जो विभक्ति चिन्ह है ये कर्ता कारक से जुड़ा हुआ है, आप देख लिए होंगे यहां पर। ठीक है, दूसरा कहा बाली को तीर से मारा, तो देखिए यहां पर कर्म कारक में कहा है कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है और इसे आप किससे प्राप्त करते हैं, को शब्द से आप इसे प्राप्त करते हैं, जैसे कर्ता को ने से किया। तो देखिए उसने कहा कि किसको मारा, बाली को मारा। तो देखिए किसको से प्राप्त होता है आपको क्या, जो कर्म होता है। तो अब किसको मारा, बाली को मारा। तो यहां पर जो बाली को यहां पर दिया है वो सीधी सी बात है कि यहां पर क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या आया है आपका, को आया है। फिर कहा तीर से मारा, तो देखिए कारण वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और इसके लिए जो हम विभक्ति चिन्ह लाते हैं वो क्या लाते हैं, से या के द्वारा। तो आप जरा यहां पर समझिएगा, तो किससे मारा, करण के लिए हम क्या लेते हैं, किससे और क्या, तो हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। तो यहां हम बोल रहे हैं कि किससे मारा उसने, तो उन्होंने मारा तीर से मारा। तो आप समझ गए होंगे कि इस उदाहरण में हमारे जो कारक हैं वो तीन दिए गए हैं, नंबर 1 कर्ता कारक क्योंकि ने यहां पर विभक्ति चिन्ह है, नंबर 2 कर्म कारक क्योंकि को यहां पर विभक्ति चिन्ह है, और नंबर 3 तीर से करण कारक क्योंकि यहां पर से विभक्ति चिन्ह है, ने को से। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो कारक शब्द है वो 3 है और विभक्ति चिन्ह भी उसके क्या दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। अब हम यहां से आगे की बात करते हैं, हम इस उदाहरण के अलग चलते हैं। तो हमने कहा कि हिंदी व्याकरण में जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो पहला जो कारक होता है वो होता है कर्ता कारक, आप समझ रहे होंगे कर्ता कारक, और विभक्ति चिन्ह क्या लगाते हैं हम, ने। दूसरा होता है कर्म कारक, और इसमें विभक्ति चिन्ह क्या मिलता है आपको वाक्य में,
को, और जो नंबर तीन होता है वो होता है करण कारक, और जो करण कारक होता है इसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगाते हैं आप, से या के द्वारा, और नंबर चार जो आपका होता है वो होता है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह हम लगाते हैं वो होता है के लिए या को, और नंबर पांच पर आपका आता है अपादान कारक, अपादान कारक में जो आप विभक्ति चिन्ह लगाते हैं वो होता है से या अलग, यानी कि अलगाव प्रदर्शित करता है, और इसके बाद आपका नंबर सिक्स होता है संबंध कारक, जिसमें हम जो विभक्ति चिन्ह लाते हैं वो का की के रा री रे और नानी ने का यहां पर प्रयोग करते हैं। देखिए नंबर सेवन हमने यहां पर अधिकरण कारक नहीं लिखा है, मैं यहां पर चलिए नंबर सेवन लिख देता हूं कि नंबर सेवन होता है आपका अधिकरण कारक, और जो हमारा अधिकरण कारक होता है उसमें आपको समझना है कि जो क्रिया करने का स्थान होता है, क्या होता है, क्रिया करने का जो स्थान होता है वही होता है आपका अधिकरण कारक। मैं लिख देता हूं क्रिया करने का स्थान, तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक की अगर हम यहां पर बात करें तो अधिकरण कारक में जो आता है वो कौन कौन से विभक्ति चिन्ह आते हैं, तो मैं आपको बताता हूं इसमें आता है मे पे पर, यानी कि वो बताता है कि जो क्रिया हमने की है वो कहां की है, और उसमें आता है वो स्थान दर्शाता है, तो मे पे और पर को वो यहां पर दर्शाता है। नंबर आठ की यदि हम यहां पर बात करें, नंबर आठ जो हमारी क्रम संख्या है कारकों की वो निकल करके आती है आपकी संबोधन कारक, कौन सा आता है संबोधन कारक। अब ये संबोधन कारक क्या होता है इसे हमें समझना है, ये कहता है कि जो संज्ञा को संबोधित करने वाला शब्द होता है, किसको संबोधित करने वाला, संज्ञा को संबोधित करने वाला शब्द, मैं दोबारा से बोल रहा हूं संज्ञा यानी कि कर्ता को जो संबोधित करता है, जो कर्ता होता है उसे जो संबोधित, यानी कि कोई भी संज्ञा दे दी जाती है, कोई भी नाम दे दिया जाता है, तो उसे जो संबोधित करने वाला शब्द होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका यहां पर क्या कहलाता है संबोधन कारक। और संबोधन कारक में जो शब्द आते हैं वो आते हैं हे अरे ओ या हम बोल दें तथा ए, तथा ए शब्द, इनका हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ क्रिया की भूमिका बताता है वही हमारा कारक कहलाता है, और हिंदी व्याकरण में जो कारक होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, उसके आठ भेद होते हैं, जिसमें नंबर वन होता है कर्ता कारक, जिसमें हम विभक्ति चिन्ह ने लाते हैं, ठीक है, नंबर दो होता है कर्म कारक जिसमें हम विभक्ति चिन्ह को लाते हैं, और नंबर तीन करण कारक जिसमें हम से या के द्वारा लाते हैं, और नंबर चार संप्रदान जिसमें के लिए या को लेकर के आते हैं, नंबर पांच अपादान से या अलग होने के लिए शब्द का इस्तेमाल, और नंबर छह पर संबंध कारक जिसमें का की के रानी ने और नानी ने का हम प्रयोग करते हैं। नंबर सात पर मैंने लिखा अधिकरण कारक यानी कि क्रिया को करने का जो स्थान है इसमें कौन कौन से हम यहां पर विभक्ति चिन्ह लाते हैं, मैं पे पर और संबोधन में लाते हैं हम हे अरे ओ तथा ए का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें यहां से आगे उदाहरणों के जरिए इस अध्याय को कैसे अच्छे से समझना है। जब हम इसे समझें तो देखिए मैं सबसे पहले जो बात करूंगा यहां पर करूंगा आपके कर्ता कारक की, किसकी बात करूंगा, कर्ता कारक पर मैं यहां पर उदाहरण दूंगा, और समझिएगा कि ये कर्ता कारक पर जो उदाहरण है वो कितने अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर जैसे कि पहला उदाहरण दिया है लड़की ने खाना नहीं खाया, जरा देखिए उदाहरण देखिएगा, और कर्ता कारक पर ये उदाहरण नंबर एक है, और देखिए इसने कहा कि लड़की ने खाना नहीं खाया, मैं यहां पर लिख देता हूं, उसने कहा लड़की ने खाना
नहीं खाया, लड़की ने खाना नहीं खाया। आप जरा यहां पर ध्यान पूर्वक समझिएगा प्रिय विद्यार्थियों, लड़की ने खाना नहीं खाया तो उसने कहा कि कौन है जिसने खाना नहीं खाया, तो यहां पर जो विभक्ति चिन्ह आया वो क्या आया, ने आया। तो श्योर हो गया कि यहां पर जब हमने देखा तो इसके अंदर लड़की क्या है, कर्ता है, और ने क्या है, विभक्ति चिन्ह जो है वो कर्ता से जुड़ा हुआ है। तो ये जो यहां पर चिन्ह है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है, कर्ता कारक के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। चलिए हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं, और देखिए दूसरा वर्ड जो है वो यहां पर कहता है कि रवि दिल्ली गया। क्या बोला हमने, रवि दिल्ली गया। देखिए यहां पर थोड़ा इस वाक्य को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं रवि दिल्ली गया। अब जरा यहां इस वाक्य को देखिए, यहां तो था लड़की ने खाना नहीं खाया, क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया, तो श्योर है कि इसके अंदर कर्म तो था, यानी कि अगर हम क्रिया को देखें, नहीं खाया को देखें, तो क्रिया तो हमारी सकर्मक है। अगर सकर्मक क्रिया हमारी होती है तो हम उसमें मुख्यतः ने जो विभक्ति चिन्ह है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि यदि हमारा वाक्य कर्ता कारक है और वह क्रिया कैसी लेकर के आ रहा है, अकर्मक क्रिया लेकर के आ रहा है, तो श्योर है कि उसमें हम क्या यूज नहीं करते हैं, अकर्मक क्रिया के साथ हम कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह ने है उसे हम यूज नहीं करते हैं, उसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर मैंने लिखा अकर्मक क्रिया आई है, अकर्मक क्रिया है तो कर्ता प्लस ने जब वहां दिया जाता है तो वहां पर इस ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, और सकर्मक क्रिया दी है तो उसमें हम ने का प्रयोग करते हैं। तो राम दिल्ली गया, जब हम यहां पर देखें तो सकर्मक क्रिया को हम क्या या किसको से ही तो समझते हैं, क्या और किसको से प्रश्न उठाने पर ही तो बाहर लेकर के आते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है, अगर हमें उनसे जवाब मिलता है, ये हम आपको पिछली कक्षा में भी बता चुके हैं। तो रवि दिल्ली गया, तो यहां पर हम प्रश्न उठाते हैं रवि किसको दिल्ली गया, हमें नहीं पता, रवि क्या दिल्ली गया, हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। तो श्योर है कि यहां पर जो ये गया है ये कैसी क्रिया है, ये यहां पर अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। और जब प्रिय विद्यार्थियों ये अकर्मक क्रिया यहां पर दे दी गई है तो अब प्रश्न तो अब भी बनता है कि कौन दिल्ली गया और कौन से हम कर्ता निकालते हैं, लेकिन यहां पर जो ने है वो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिया अकर्मक है, हम इसके साथ अगर ने का प्रयोग करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारा ये वाक्य है वो किस पर आधारित है, वो कर्ता कारक पर आधारित है, भले ही इसमें हमने नी को छुपा लिया है। ठीक है, चलिए इस बात को जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर फिर से उदाहरण दे देते हैं आपको ओरली, और वो भी कर्ता कारक से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि वह खाना नहीं खाएगा। आप जरा देखिएगा, वह खाना नहीं खाएगा तो यहां पर जब हमने देखा, मैंने कहा मुख्यतः लगता है, तो वह खाना नहीं खाएगा तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी ने जो विभक्ति चिन्ह है वो छिपाया गया है, जबकि ये कर्ता कारक है। चलिए अब हम यहां से आगे चलते हैं और नंबर टू पर अब हम यहां पर बात करेंगे, और नंबर टू पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, कर्म कारक। अब जब हम कर्म कारक की यहां पर बात करेंगे तो देखिए कर्म कारक में जो हमारे उदाहरण हैं वो आपको कैसे यहां पर मिलते हैं। नंबर टू कर्म कारक, अब देखिए वो कह रहा है कि हमें इसके उदाहरण, तो देखिए कर्म कारक में आपको क्या मिलता है, कर्म कारक में आपको को विभक्ति चिन्ह मिलता है, और वो कहता है कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी कहें कि अध्यापक ने छात्र को पीटा, जरा ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूं अध्यापक ने छात्र को पीटा, तो देखिए जरा क्रिया जो हुई पीटने की, जरा दोबारा से ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा गया है जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो अध्यापक, देखिए यहां पर क्रिया क्या है, क्रिया है यहां पर पीटा,
तो जब यहां पर पिता क्रिया है तो श्योर है कि इस क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? छात्र पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पर आ रहा है? छात्र पर। और छात्र जो यहां पर दिया है तो फिर से जवाब हम लेते हैं किसको और क्या से, तो अध्यापक ने किसको पीटा, तो यहां पर जवाब मिल रहा है छात्र को। और किसको और क्या से कर्म निकलता है, और ये रहा इसका विभक्ति चिन्ह, तो श्योर हो गया कि यहां पर जो ये है वो क्या है, ये है कर्म कारक, यहां पर इसको दिखाया जाएगा। ठीक है ना, बात आपके समझ में आ गई होगी कि इसे हमने क्यों कर्म कारक में रखा। फिर से हम यहां पर देखते हैं और एक वाक्य हमने लिया कि पिताजी ने रवि को वहां बुलाया। जरा वाक्य को समझिएगा, वाक्य कह रहा है पिताजी ने रवि को, क्या बोले, रवि को वहां बुलाया। जरा फिर से वाक्य को देखिएगा, वहां बुलाया। मैं पुनः दोहरा दूं कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वहीं पर ही होता है कर्म कारक, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है और विभक्ति चिन्ह को। तो पिताजी ने रवि को वहां बुलाया, तो बुलाया, बुलाया क्या है यहां पर, बुलाया तो यहां पर क्रिया है, और बुलाया भी किसको, रवि को बुलाया, तो प्रभाव किस पर गया क्रिया का, रवि पर गया। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो ये है वाक्य वो किस में जा रहा है कि और किस प्रकार से कर्म कारक पर यह डिपेंड कर रहा है, और यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे कि यह कर्म कारक। चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं और हम यहां से आगे बात करेंगे कर्म के बाद करण कारक। और देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, करण कारक आपका क्या कहता है, करण कारक आपका कहता है कि वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह साधन, वह इक्विपमेंट जिससे हम क्रिया को करते हैं, जिससे क्रिया करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वही होता है आपका करण कारक। अब करण कारक आपका कह रहा है यहां पर कि इसमें जो मिलेगा वो से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह आपको मिलता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर कह रहा है कि अक्षय ने मिट्टी से खिलौने बनाए। देखिए मैं यहां पर वाक्य लिख रहा हूं, अक्षय ने मिट्टी से, क्या बोले, मिट्टी से खिलौने बनाए। अब देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, करण कारक की हम यहां पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, करण कारक की। और करण कारक में कहा कि अक्षय ने मिट्टी से खिलौने बनाए, खिलौने बनाए। जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा, अक्षय ने मिट्टी से खिलौने बनाए। मैंने लिखा अक्षय ने मिट्टी से यहां पर खिलौने बनाए, तो जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा। तो यहां पर मैंने कहा कि वह साधन जिससे क्रिया की जाती है, खिलौने बनाए, यहां पर क्रिया है बनाए, क्या है यहां पर, खिलौने बनाए। यहां पर जब खिलौने बनाए हैं तो वो किससे बनाए हैं, मिट्टी से बनाए हैं। वो कह रहा है कि वह साधन जिससे क्रिया होती है, तो खिलौने बनाने का जो कार्य किया गया है, बनाने की जो क्रिया की गई है वो किससे की गई है, मिट्टी से की गई है। तो श्योर है कि यहां पर ये क्या कहलाया जाएगा, ये यहां पर करण कारक कहा जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि करण कारक में कहा जाता है कि जिससे क्रिया की जाती है, वह साधन जो क्रिया करने में प्रयोग में लाया जाता है। चलो हम दूसरा देखते हैं, हम कहते हैं कि वे चाय के साथ बिस्किट खाते हैं। हम देखिए वाक्य बोल रहे हैं, वे चाय के साथ बिस्किट खाते हैं। जरा बात पर गौर दीजिएगा, वे चाय के साथ बिस्किट खाते हैं। जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा, अब वो चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, भाई खाते तो हैं वो बिस्किट, वो खाते तो हैं बिस्किट, मगर किसके साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। दोबारा से देखिएगा, वे बिस्किट खाते हैं, वो साधन जिससे क्रिया होती है वही तो करण कारक कहलाता है। तो वो साधन क्या है, साधन ये है कि वो बिस्किट खाते हैं, मगर बिस्किट खाते किसके साथ हैं,
वो किसके साथ खाते हैं? वो चाय के साथ खाते हैं। और करण कारक कहता है कि यहां पर या तो से मिलेगा या के द्वारा मिलेगा। तो वो चाय पीते हैं मगर किसके साथ पीते हैं? बिस्किट के साथ यहां पर वो पीते हैं। तो श्योर है कि यहां पर जो ये वाक्य है वो क्या कहलाएगा आपका? करण कारक यहां पर ये कह लाएगा। ठीक है, अब हम फिर से यहां से आगे बढ़ते हैं और चलिए करण कारक पर हम एक उदाहरण और ले लेते हैं और देखते हैं कि ये उदाहरण आपका क्या कह रहा है। ये उदाहरण कहता है कि लक्ष्मण ने तीर से मेघनाथ को मारा। जरा वाक्य को समझिएगा और ध्यान पूर्वक समझिएगा। वाक्य कह रहा है कि लक्ष्मण ने, मैं लिखे देता हूं, लक्ष्मण ने तीर से मेघनाथ को मारा। ठीक है जी। अब जब लक्ष्मण ने तीर से मेघनाथ को मारा, किसको मारा? मेघनाथ को मारा। तो जरा मेरी बात को यहां पर समझिएगा। तो लक्ष्मण ने मारा, ठीक है, यहां पर क्रिया है, लक्ष्मण ने मारा मेघनाथ को, मगर किससे मारा? तीर से मारा। लक्ष्मण ने मारा है मेघनाथ को, लेकिन मारने के लिए जो उसने साधन प्रयोग किया वो क्या किया? तीर से प्रयोग किया। तो श्योर है कि यहां पर ये क्या है? करण कारक। क्या है यहां पर? करण कारक। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जो करण कारक है उसमें बताया जाता है कि वह साधन जो क्रिया करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम करण कारक कहते हैं। अब हम यहां से आगे यानी कि नेक्स्ट को हम देखें तो हमारे सामने आ रहा है संप्रदान कारक। क्या रहा है? और संप्रदान कहता है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है वही तो संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए हम क्रिया करते हैं वही क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में जो आपके विभक्ति चिन्ह है वो आते हैं के लिए या को। अब जब हम बात कर रहे हैं कि उसमें के लिए या को आता है तो हम देख लें, जैसे कि अब मैं यहां पर एक वाक्य लिखूंगा आपके लिए और उसे आप समझिएगा, लेकिन ये समझ लें कि मैं जो उदाहरण अब दे रहा हूं आपके सामने वो किसके लिए दे रहा हूं? संप्रदान कारक। और जो हम विभक्ति चिन्ह ला रहे हैं वो ला रहे हैं के लिए या को, के लिए या को। अब उसने यहां पर बात की है संप्रदान कारक में कि उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया। जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया। जरा वाक्य को देखेंगे, उन्होंने मेरे लिए क्या बोला? मेरे लिए और क्या किया? खाना बनाया। जरा बात पर गौर दीजिएगा, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया। अब जरा यहां पर देखिए, संप्रदान कह रहा है वह शब्द जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो खाना बनाया, बनाया यहां पर क्रिया है, आपको पता चल गया कि बनाया क्या है यहां पर, यह क्रिया शब्द है। लेकिन किसके लिए बनाया? अब किसके लिए बनाया? वो बनाया मेरे लिए। दोबारा से समझिएगा, वह शब्द जिसके लिए क्रिया की जाती है और के लिए और को शब्द आता है। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, बनाया यहां पर क्रिया है और क्रिया किसके लिए हुई है? मेरे लिए। तो श्योर है कि यहां पर ये क्या हो गया आपका? संप्रदान कारक हो गया, राइट है। इसी पर ही चलिए मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। रवि अपनी छोटी बहन के लिए खिलौने लाया। देखिए जरा वाक्य को समझिएगा, रवि अपनी छोटी बहन के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए खिलौने लाया, लिए खिलौने लाया। जरा वाक्य को समझिएगा, खिलौने लाया, यहां पर ये एक वाक्य मैंने लिख दिया है, रवि अपनी छोटी बहन के लिए खिलौने लाया। देखिए यहां पर जो क्रिया है वो लाने की हुई है और लाने की जो हुई है वो क्रिया वो किसके लिए हुई है? छोटी बहन के लिए। किसके लिए हुई है?
छोटी बहन के लिए ये क्रिया हुई है। दोबारा से समझिएगा, यहां पर जरा देखिए, छोटी बहन के लिए क्या लाया गया है, खिलौने लाए गए हैं, तो जो लाने की क्रिया हुई है वो किसके लिए हुई है, छोटी बहन के लिए हुई है। तो श्योर है कि यहां पर ये क्या कहलाया जाएगा, संप्रदान कारक यहां पर ये कहलाया जाएगा। तो मैं समझता हूं प्रिय विद्यार्थियों, आप संप्रदान कारक को भी अच्छे से यहां पर समझ गए होंगे। चलिए हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और आप कक्षा को ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। आगे हम जब यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए, हम यहां से आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं संप्रदान के बाद अपादान। अब देखिए, अपादान की अगर हम बात करें तो अपादान क्या है, अलगाव दर्शाने वाला शब्द। अलगाव यानी कि किसी से सेपरेशन दर्शाने वाला शब्द, यानी किसी से अलग होते हुए, ठीक है ना, दर्शाने वाला शब्द क्या कहलाता है हमारा, अपादान कारक। अपादान कारक की यदि हम बात करें तो अपादान कारक में हम जो शब्द लेकर के आते हैं वो लेकर के आते हैं आपका से या अलग होना, ठीक है। अपादान कारक में हम क्या लाते हैं, से या अलग होना। देखिए ये क्या दर्शाएगा आपका अपादान कारक, से या अलग होना, यहां पर क्रिया दर्शाएगी। देखिएगा अपादान कारक में जो क्रिया है वो बताएगी कि किसी से अलगाव दिखाया जा रहा है, से या अलग। विभक्ति चिन्ह का आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे और अलगाव को दर्शाएंगे। तो देखते हैं हम यहां पर कि अपादान क्या कहता है। उसने कहा वृक्ष से पुष्प गिरे। जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा, वृक्ष से पुष्प गिरे। अब देखिए यहां पर क्रिया क्या हुई, क्रिया हुई यहां पर गिरने की, ठीक है। और जब गिरे हैं वो पुष्प तो वो कहां से गिरे हैं, वो वृक्ष से गिरे हैं, श्योर है। और इससे ने क्या दर्शाया है, अलगाव दर्शाया है, तो श्योर है कि यहां पर ये क्या है, अपादान कारक है। क्यों है, क्योंकि जो क्रिया हुई है गिरने की वो वृक्ष से गिरने की, वृक्ष से अलगाव को दर्शाने की हुई है, इसलिए यहां पर ये क्या है, ये अपादान कारक है, ठीक है। हम अपादान कारक पर ही और एक उदाहरण ले लेते हैं और वो कहता है कि चोर चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया। जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा, चोर चलती हुई, दोबारा देखें, चोर चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया, यही वाक्य है ना, रेलगाड़ी से कूद गया। अब जरा इस वाक्य को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा बस हम इस पर माइंड लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बिल्कुल हम सही कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो क्रिया है वो है कूद जाने की, ठीक है। और जो चोर कूदा है वो किससे कूदा है, रेलगाड़ी से कूदा है। तो चोर का जो संबंध है वो रेलगाड़ी से समाप्त हो गया है, अलग हो गया है, अलगाव दर्शाया है। तो यहां पर जो ये रेलगाड़ी से कूदना है वो क्या दर्शाएगा आपका, अपादान कारक को यहां पर वो दर्शाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहां पर अपादान कारक को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और देखिए अपनी माइंड पावर को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस की अत्यंत आवश्यकता होती है, और कहावत है कि प्रैक्टिस जो होती है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय से रिलेटेड, ठीक है ना, किसी भी विषय से रिलेटेड आपको पारंगतता दे सकती है, ठीक है। तो चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम अपादान कारक से और आगे बढ़ते हैं। तो अपादान कारक के बाद यदि हम बात करें तो हमारे सामने आ रहा है संबंध कारक। अब संबंध से मतलब है कि क्रिया का संचालक शब्द, क्रिया का संचालक यानी कि क्रिया को बिल्कुल कंट्रोल करने वाला यहां पर यह शब्द है। और इसमें क्या मिलता है आपको, का की के रा री रे नानी ने, संबंध दर्शाया जाता है यहां पर। और देखेंगे हम कि किस प्रकार से संबंध दर्शाया जाता है। तो जब हम नंबर 6 कारक की बात कर रहे हैं, नंबर 6 कारक की बात कर रहे हैं, तो नंबर 6 कारक क्या है हमारा, संबंध कारक। कौन सा है, संबंध कारक। और संबंध कारक में कहा जाता है कि ये क्रिया का संचालक शब्द होता है। क्या होता है, क्रिया का संचालक शब्द होता है। और इसमें काकी के, रारी रे या नानी ने, ठीक है ना, इन
शब्द और शब्दांशों का प्रयोग होता है। चलिए मैं यहां पर देखता हूं, जैसे कि मैं यहां नंबर 6 के लिए आपको उदाहरण दूं कि बच्चे का बस्ता बहुत सुंदर है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर उदाहरण लिख रहा हूं बच्चे का बस्ता। दोबारा से देखिएगा, बच्चे का बस्ता यानी कि बैग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जरा देखिएगा यहां पर, तो यहां पर बहुत सुंदर है क्रिया जो है वो यहां पर बता रही है कि बहुत सुंदर है। मगर क्या सुंदर है? सुंदर यह है कि जो बच्चे का बस्ता है ना, बच्चे का बस्ता और इस बच्चे का और इस बस्ते का ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या, ये संबंध दर्शा रहा है किसका? इस बस्ते का और इस बच्चे का। तो श्योर है कि बच्चे का और बस्ते का संबंध है, तो यहां पर ये क्या होगा? संबंध कारक यहां होगा। दूसरा हम देखिए बोल रहे हैं यहां पर कि वह महिमा के पिताजी हैं। वह बोल दें, वे बोल दें, और वे महिमा के पिताजी हैं। देखिए यदि यही वाक्य आ जाए, महिमा के पिताजी हैं, और है नहीं कर सकते हम, ठीक है, हमें लिखना होगा है, अगर लिखा गलत हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम सम्मान के साथ यूज करते हैं, जैसे उसमें महापुरुषों के हों, अपने माता पिता से जुड़े हुए शब्द हों, तो इन शब्दों को, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? वे महिमा के पिताजी हैं, ठीक है ना, वे महिमा के पिताजी हैं। जबकि इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको कि ही इज महिमाज फादर। पता लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन हिंदी में हम सम्मान देते हैं, तो इसीलिए हमने बोला वे महिमा के पिताजी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर महिमा है और यहां पर पिताजी हैं, तो इनका जो संबंध दर्शा रहा है वो कौन दर्शा रहा है? के दर्शा रहा है, जैसे यहां पर का ने दर्शाया, तो ये संबंध दर्शाया महिमा का और पिताजी का के द्वारा। तो श्योर है कि यहां पर ये जो आपका कारक है वो कौन सा है? संबंध कारक है। मैं आपको इसी पर ही एक और उदाहरण दे देता हूं, और वो कहता है यहां पर कि जो तुलसीदास के दोहे हैं वे अत्यंत प्रेरणादायक हैं। देखिए मैं फिर से बता दूं, यहां पर जो उदाहरण है उसने कहा कि तुलसीदास जी के दोहे अत्यंत प्रेरणादायक है। मैं लिख रहा हूं तुलसीदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे प्रेरणादायक हैं। जरा गौर दीजिएगा, प्रेरणादायक हैं, मैंने लिखा है तुलसीदास के दोहे प्रेरणादायक हैं। तो जरा देखिए यहां पर एक दोहे संज्ञा है और एक तुलसीदास है, और तुलसीदास और दोहे का आपस में क्या दर्शाया जा रहा है? संबंध दर्शाया जा रहा है के विभक्ति चिन्ह के द्वारा। इसलिए यहां पर जो के विभक्ति चिन्ह है वो किससे जुड़ा? आपका संबंध कारक से यहां पर जुड़ा। तो श्योर है कि ये भी यहां पर क्या है? आपका संबंध कारक है। चलिए अब हम यहां से आगे नंबर 7 जो आपका कारक है उसकी बात करते हैं। 7 नंबर पर जो कारक है आपका उसकी बात करते हैं, और 7 नंबर पर कारक आता है आपका अधिकरण कारक। क्या निकल करके आता है? अधिकरण कारक। जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अधिकरण कारक की, और ये जो अधिकरण कारक है ये समझिएगा कि ये क्या दर्शाता है। अधिकरण कारक कहता है कि वह शब्द जो क्रिया करने का स्थान दर्शाता है, दैट इज कॉल्ड अधिकरण कारक। क्रिया कहां हुई तो वो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। और इसमें हमें जो विभक्ति चिन्ह मिलते हैं वो मिलते हैं मैं, पे, पर, यानी कि स्थान कहां है, क्रिया किस पर हुई है, उसको यहां दर्शाने का काम करता है। तो देखिए यहां पर थोड़ा समझेंगे अधिकरण कारक की अगर हम बात करें। हमने लिखा कि समुद्री घोड़ा जल में निवास करता है। थोड़ा उदाहरण को देखिएगा, उसने उदाहरण बोला कि जो समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, ठीक है ना, समुद्री घोड़ा कहां निवास करता है? जल में निवास करता है। कहां निवास करता है? जल में निवास करता है। मैं यहां लिख देता हूं जल में निवास करता है। जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा, समुद्री घोड़ा जल में निवास करता है, तो जो क्रिया हो रही है यहां पर निवास करता है, जरा देखिएगा यहां पर
निवास करता है। ये हमारी क्रिया हो रही है, श्योर है, लेकिन ये क्रिया कहां हो रही है निवास करने की? जल में, ठीक है ना। तो श्योर है कि यहां पर ये क्या है आपका? अधिकरण कारक है। क्या है ये आपका? अधिकरण कारक है, क्योंकि क्रिया हो रही है निवास करने की कहां? जल में। तो इसलिए आप क्या कहेंगे? इसे अधिकरण कारक। दूसरा वाक्य यहां पर देखते हैं, मैं दूसरा वाक्य बोल देता हूं आपको। अखबार कुर्सी पर है, जरा वाक्य पर गौर दीजिएगा, अखबार कुर्सी पर है। तो जरा यहां पर देखिएगा कि जो अखबार पड़ा हुआ है, जो अखबार रखा हुआ है, तो अखबार के रखे होने की जो क्रिया है वो कहां पर हो रही है? कुर्सी पर हो रही है। तो यहां पर जो ये पर दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है कि ये क्या है? अधिकरण है। यहां पर जो मे है उसने क्या दर्शाया है? कि ये अधिकरण कारक है। चलिए मैं एक और वाक्य बोल देता हूं आपको ओरली। सभी व्यक्ति छत पर हैं। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? सभी व्यक्ति छत पर हैं। अधिकरण से ही जुड़ा हुआ, सभी व्यक्ति छत पर हैं। मैंने बोला कि सभी व्यक्ति जब छत पर हैं, चाहे वो टहल रहे हैं चाहे वो बैठे हुए हैं, तो उनकी टहलने की और बैठे रहने की जो क्रिया है वो कहां पर हो रही है? छत पर हो रही है। तो जब छत पर हो रही है, तो जो पर आपका यहां पर चिन्ह आ रहा है वो किस में आता है? विभक्ति चिन्ह, अधिकरण कारक में आता है। तो ये आपका अधिकरण कारक है। चलिए अब हम कितनी जल्दी से इस कक्षा के अंतिम कारक पर आ गए हैं, और कारक नंबर 8 जो आपके सामने है वो है आपका संबोधन कारक। और संबोधन कारक में बताया कि इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है हे, अरे, ओ तथा ए, इनका इसमें प्रयोग करते हैं। तो वो कहता क्या है, जरा आप ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो यहां पर कहता है कि इसमें संज्ञा को संबोधित करने वाले शब्द का प्रयोग होता है, तथा इसमें हे, अरे, ए, ओ, इन शब्दों का, यानी कि जो संबोधन करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई बोले अरे मूर्ख, जरा देखिएगा यहां पर एक वाक्य है, अरे मूर्ख आपने क्या किया? आपने क्या किया, एक वाक्य यहां पर बोल दिया गया, अरे मूर्ख आपने क्या किया। अब जब हमने यहां पर यह वाक्य बोल दिया है, तो जरा ये देखिए कि जो अरे मूर्ख, हमने कहा संज्ञा को संबोधित करने वाला शब्द, तो यहां पर मूर्ख जो है वो एक संज्ञा है, किसी को हमने मूर्ख की संज्ञा दी है, और मूर्ख को संबोधित किससे किया है हमने? अरे से। अरे मूर्ख ये तुमने क्या किया, तो ये श्योर है कि ये आपका यहां पर क्या कहलाएगा? संबोधन कारक कहलाएगा। दूसरा अगर बोला जाए यहां पर वाक्य, वो बोल दे कि हे राम आप ही रक्षा करो। अभी हम यहां पर बोल दें हे राम अब आप ही रक्षा करो, हे राम आप ही रक्षा करो। अब जरा यहां पर देखिएगा, अब हे राम आप ही रक्षा करो हमने बोल दिया, हे राम आप ही हमारी रक्षा करो हमने बोल दिया, क्रिया हुई रक्षा करो। यहां पर हमने संबोधन किसको दिया है? राम को हमने संबोधन दिया है, और किससे दिया है? संबोधन करने वाला शब्द क्या है? हे है। तो आप समझ गए होंगे कि हे राम आप ही रक्षा करो, तो यहां राम को संबोधित किया गया है हे का प्रयोग करते हुए। तो श्योर है कि यहां पर ये क्या कहलाएगा आपका? संबोधन कारक कह रहा। चलिए मैं और उदाहरण दे दूं, मैं आपसे कहने लगूं ए बच्चे आप किधर जा रहे हो, तो यहां बच्चे को संबोधित करने के लिए हम क्या लेकर के आए? ए। तो ए यहां पर क्या कहलाएगा आपका? संबोधन कारक यहां पर कहलाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक इस कक्षा को देखा होगा, और ये कक्षा मैं समझता हूं कि आपके अच्छे से समझ में भी आई होगी। और यदि आपने ये कक्षा बहुत अच्छी लगी है, तो इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा उत्साह वर्धन करना ना भूलें। जल्दी आपके सामने एक नई कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।